जिंदाबाद, मरहबा मरहबा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आला मंज़िलतल मुमिनीना बिकरीमी खिताबी वरफा दरजतल आलमीना बिमानी किताबी वखसल मुस्तंबितीना मिनहुम बिमजीदिल इसाबती वसवाबी वस्सलातु अलन नबी व असहाबी वस्सलामु अला अबी हनीफा व अखबाबी अम्मा बादु फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वरफाना लक ज़िक्रक सदकल्लाहु मौलाना लाज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। सारे पढ़ें सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। कारी साहब ने भी बताया है, मुझे सारी महफल का अंदाज़ा है और जितना टाइम मेरे जनाब भाई इब्रार साहब ने नात पढ़ने लाया इतने टाइम में तकरीर मुक जाएगी, लेकिन तुसी सारिया गल्लां बड़ी तवज्जो नाल सुनने वालियां मेरी। मैं हुजूर दी अलैहिस्सलाम दी जात ते उतरी हुई पाक कलाम दी जिहड़ी आए करीमा तुहाडे सामने तलावत कीती है। सदात कराम उलमाए कराम माशाल्लाह इनका जम्मे गफीर है और अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब व रफा ना लक जिक्र, महबूब हमने आपकी खातर आपकी शान को बुलंद फरमा दिया है। एक बार सारे कहें सुभान अल्लाह। थोड़ी देर पहले खालिक साहब मेरे चाचू जान बड़ी मोहब्बत से, मेरे अबू के बड़े गहरे दोस्त हैं, तो बड़ी मोहब्बत से नात पढ़ रहे थे और आगे एक तो ये पढ़ रहे थे कि उन्हें जाना उन्हें माना आला हजरत का कलाम, और एक शायद अलामा साहब ने नहीं सुना होगा अभी आए हैं, तो ये पढ़ कर रहे थे कि सुनियों का बहुत बड़ा शेर है सोना खादम रिजवी। तो अच्छा इनको किस बंदे ने मजबूर किया जनाब, ये इतने मजमे में ये उस हस्ती का नाम क्यों ले रहे हैं, उनका नाम क्यों ले रहे हैं? बस इस कायनात का अल्लाह ताला ने बनाया बता दिया है ना कि दूसरा कोई मकसद ही नहीं था बनाने का, फकत यही मकसद था कि मैं अपना रब होना का इजहार करूं और लोगों को अपने महबूब के जरिए बताऊं कि मैं रब हूं, इस कायनात का मैं मालिक हूं, और पूरी दुनिया को जो अपना तारफ कराया रब ने किसी और हस्ती के जरिए नहीं कराया, अपने महबूब के जरिए कराया। और बाबा जी का जो नाम लेते हैं आज बड़ी बड़ी महफिलों में, मैं चंद दिन पहले अपने साथियों के साथ बात कर रहा था, मैंने कहा ये अलामा साहब मेरी बात से इत्तफाक करेंगे, कहेंगे कि जो मानते थे वो भी और जो नहीं मानते थे वो भी, आज भी बड़े बड़े खतीब जिनकी जुबानों पे ये नाम नहीं आता था, ये बातें नहीं आती थी, आज वो भी अपनी जुबानों पर यह नाम लाते हैं। मैंने उनसे पूछा जनाब क्या मजबूरी बन गई आपकी, क्या मतलब हुआ, क्यों मजबूर हो गए आपके नाम के लेने के लिए? उन्होंने और कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मुझे इस बात का पता है जवाब मुझे भी आता है, जवाब और कोई नहीं है, बाबा जी खातम हुसैन रिज़वी पूरी दुनिया में अहले सुन्नत की जान भी है और एक ब्रांड बन चुका है। जरा हाथों को उठाए 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 वक्त मुख्तसर है। बाबा जी जिंदगी में जब तक थे आप, अगर खालक साहब ये कहते ना मजमे में बाबा जी होते मौजूद या कौन का चाहने वाला होता मौजूद ये कहते शेर, तो फिर बाबा जी कहते बताते इनको क्यों कहा मुझे शेर, जिंदगी में एक बार भी नहीं कहा। अगर कोई मजमे में उठ के ये कहता था ना कि सुनियों का शेर ये कह देता या कोई लफ्ज बाबा जी का नारा लगाता, कहते हो लोगों मैंने तो यही बात की है, मैं लोगों को यही बताने के लिए तो आया हूँ, मेरा कोई और तारफ नहीं है। बाबा जी फरमाते थे मेरा तारफ यही है, मैं कुत्ता पाक रसूलुल्लाह था, और आप फरमाते थे लोगों मैं यही आपको बताने के लिए आया हूँ, किसी और का नाम ला लो, आप फरमाते थे इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाह इल्हम्द मैं दुनिया से मुसलमान, कोई दूसरी वजह नहीं है। ताजदार खत्मे नबूवत क्या बात। एक बार सारे कहें ताजदार खत्मे नबूवत।
अगर ये इस बात पे बात करूं ना, इस बात पे अलामा साहब बैठे हैं, यही बात अगर करूं ना कि ये नारा किस स्टेज का था और कहां से बाबा जी कहां तक लाए और आज किस स्टेज की जीनत बन गया। ये जो सुनियों पे एहसान बाबा जी आप कर गए, कयामत तक सुनी आपका ये भी एहसान नहीं भूल सकते जो आपने सुनियों पे एहसान किया। आज हम कोई चिटचिटाते नहीं है, हर जगह पे यही बात करते हैं, बाबा जी आपने जो सुनियों पे ये एहसान कर दिया, ये जो नारा आपने बच्चे बच्चे की जुबान पे दिया, ये ताजदारे खत्मे नबूवत। बस बात यही है, बात मेरी आखिरी है। बाबा जी का नाम, ये बाबा जी के नाम की तो कोई महफल नहीं है, बाबा जी का नाम बार बार किस लिए लिया जा रहा है? बाबा जी ने सारी जिंदगी उस आमना के लाल की बात की है, बस यही अपना तारफ करा, मैं कुत्ता पाक रसूलुल्लाह था। लेकिन हजरत अल्लामा इकबाल कलंदर लाहौरी ने इस बात का नक्शा खींच दिया है और सारी बात का मसला ही हल कर दिया है, सारे सवालों का जवाब दे दिया है। फरमाया कि मोहम्मद से वफा तू ने तो हम तेरे हैं, या जहां चीज है क्या लाहो कलम तेरे हैं। बस इसीलिए मैं नमाजी, इसीलिए बस यही बात है और कोई बात नहीं है। इसलिए आज उनका नाम, और ये आज नहीं इंशाल्लाह क़यामत तक उनके नाम के शोरे रिजवी तेरा नाम रहेगा, रिजवी तेरा नाम रहेगा। मुमताज हुसैन कादरी, इतनी बात है, ये मुमताज हुसैन कादरी का नाम, बातें यकीन करो अगर इस बात पे करूँ ना कि मुमताज कादरी ने, माशाल्लाह क्या बात है, पैरा तो दिया लेकिन इस पैरे में, और इसके बाबा जी ने फिर मुमताज कादरी का, जब मुझे वो वक्त याद है, मैं बाबा जी से जो पहली मुलाकात हुई थी उस वक्त बाबा जी एक तहरीक चला रहे थे, जेल का ताला टूटेगा गाजी हमारा छूटेगा। बहुत कम लोग ये जानते हैं, जेल का ताला टूटेगा गाजी हमारा छूटेगा, बाबा जी के उस तारीख का भी हिस्सा थे अल्हम्दुलिल्लाह। और बाबा जी उस वक्त कोई लब्बैक का या रसूल अल्लाह नहीं बनी थी, लेकिन बाबा जी की पहचान क्या है, बाबा जी इतने मशहूर क्यों हो गए? बाबा जी इसलिए मशहूर हो गए, एक आशिक के नाम पे खड़े हो गए। लोगों ने बड़े बड़े लोग कहा, मुशर्रफ से लेकर इस वक्त के बड़े 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 बादशाह आए, उन्होंने कहा उस वक्त, आज तो हर बंदा बड़े, ये चाचू जान ने नारा लगाया जुर्रत बहादरी, मुमताज हुसैन कादरी, यहाँ लगाए कोई परेशानी नहीं, फैजाबाद लगाए कोई परेशानी नहीं, दीना लगाए कोई परेशानी नहीं, इस्लामाबाद लगाए कोई परेशानी नहीं, आज मुमताज हुसैन कादरी का नाम टीवी पे ले लिया जाए फिर भी कोई परेशानी नहीं। वो वक्त मुझे याद है जब मुमताज हुसैन कादरी का नाम अगर कोई अकेले में ले लेना वो भी फोर्थ शेड्यूल में हो जाता था, दहशतगर्दी का पर्चा उस वक्त भी काट लिया जाता था। लेकिन कुर्बान जाऊं बाबा खादिम हुसैन रिजवी, तूने कोई किसी मसलत का शिकार नहीं हुए। बाबा जी ने कहा माजी मुमताज हुसैन कादरी ने हुजूर की इज्जत और नामूस पे पैरा दिया है और गुस्ताख को गुस्ताख का सीना ठंडी किया है, मैं उसका नाम लेने से नहीं बाजूंगा। एक बार कहें सारे ताजदारे खत्मे नबुव्वत, सारे कहें ताजदारे खत्मे नबुव्वत, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, या जहां चीज है क्या लहो कलम तेरे हैं। और जिस नबी की महफल सजाए और मैं आप बैठे हैं, उसकी शान वरा उल वरा, उसकी क्या कहने, जिंदगियां खत्म हुई कलम टूट गए, लेकिन तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।